बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री का योगी सरकार पर वाह, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें सीएम योगी। अनिल शास्त्री ने ये कहा है, ये वार करते हुए यूपी सरकार पर। ये मौत नहीं जघन्य हत्याकांड है। गोरखपुर में जिस तरह से मासूमों की मौत हुई है उस पर ये आरोप लगाया है। जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। जो गोरखपुर में हुआ है और उसके बाद जिस तरह से सरकार की जो इनसेंसिटिविटी हम देख रहे हैं कि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल से उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, वो पर्याप्त नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी जी ने इतने वादे किए थे प्रधान मुख्यमंत्री बनने के बाद, और जरा सी भी उनमें नैतिकता हो, हमेशा उन्होंने नैतिकता की बात करी, खुद अपने आप को योगी कहते हैं वो, जरा सी भी नैतिकता हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी इस समय मुख्यमंत्री की है। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सरकार का वो मुखिया है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। मैंने अखबारों में देखा कि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो उनके मंत्रालय में विभाग में आता है, स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, जैसा मुझे सुनने को मिला है। एक वही है कि इतने बड़े, क्योंकि उनकी पहचान उस परिवार, मैं शास्त्री जी का उदाहरण फॉलो करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से इस्तीफा चाहूंगा मुख्यमंत्री का।